समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी जेल में निरुद्ध सपा के पूर्व गलौटा विधायक दीप नारायण सिंह यादव से सपा विधायकों का प्रतिनिधि मंडल मिला और उनका हाल जाना। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा के किसनी मैनपुरी विधायक ब्रजेश कठौरिया व जस राणा विधायक सचिन यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार अकारण सुनियोजित तरीके से जुल्म ढा रही है, राजनीतिक कारण से प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा कि गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में मुद्दा उठाया था, सरकार विपक्ष को सुनना नहीं चाहती है। एक सवाल के जवाब में विधायक दोये ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं में डर की भावना है। उन्होंने कहा कि कानूनी तरीके से लड़ेंगे, सपाइयों को न्यायपालिका पर विश्वास है। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। माननीय विधायक जी हमारे साथ 12 से 17 में विधायक रहे हैं और उनसे हमारे रिश्ते भी हैं, व्यक्तिगत रिश्ते हैं। बस उनका हालचाल लेने आए थे, कल उनके परिवार से भी मिले थे और आज उनसे जेल में भी मिलके उनकी कुशल छीन की जानकारी दी। क्या आपको लगता है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो राजनीतिक उससे प्रेरित है? निश्चित रूप से ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका जल्दी हमें कोई ना कोई रिलीफ देगी और अच्छा निर्णय लेगी। उसके लिए क्या प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के नेता और विधायक जी जेल में थे तो हम लोग उनके परिवार से भी कल मिले थे और परिवार से भी उनकी राजी खुशी जानी थी, सब लोगों के बारे में कैसा, क्योंकि दुख का माहौल है उनके परिवार में, तो उनसे मिलने गए थे। ये हमारा सामाजिक दायित्व तो होता है कि जब अपना कोई भाई बुरे समय से गुजर रहा हो तो उसके परिवार से मिला जाए और उससे मिला जाए, तो हम लोग उनके परिवार से भी कल रात में मिले और आज जेल में जाके उनसे भी शिष्टाचार भेंट की थी। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी जमीनी हकीकत हम लोगों का पहुँचाने का धर्म और कर्तव्य है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सारी बातें बताएंगे। बिल्कुल किया जा रहा है, सपा समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनको गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। वो सिर्फ इसीलिए भेजा जा रहा है कि पार्टी जमीन पर बहुत मजबूत है और पार्टी को जमीन की मजबूती को ख़त्म करने के लिए वो डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं।